सो हेलो गाइज, हैव यू वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ मोटरवीज। तो आज हम जिस गाड़ी का आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाले हैं, पूरी डिटेल और स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे। तो ये है आपकी XUV300, ठीक है। और ये आपको बता दो, ये आपका जो है मतलब जो टॉप वेरिएंट आता है उससे एक नीचे का वेरिएंट है, जो कि आपका W6 है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे और इसमें क्या क्या फीचर आ जाते हैं और इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ बता दो, इसमें आपके पास जो ऑप्शन है दोनों ही आ जाते हैं, यानी कि पेट्रोल में ना चाहे पेट्रोल में ले सकते हैं, और अगर डीजल में जाना चाहे तो डीजल में जा सकते हैं। अभी अगर इसके हम इंजन वगैरह की बात करें तो इसमें जो आपका आ जाता है 1.5 लीटर का टर्बो GDI आपका इंजन आ जाता है, जो कि आपका तकरीबन 115 BHP और 300 Nm का आपको टॉर्क इसमें देखने मिल जाता है, यानी कि अच्छा खासा पावर मिल जाता है। और आपका जो है 4 सिलेंडर है, तो पावर वगैरह की कमी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो होगी यार इंजन की बात, ठीक है। इंजन एक बार मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा, बट उससे पहले हम थोड़ी सी फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, देखो यहाँ पे। वैसे इस गाड़ी बारे बता दूँ, ये जो आपका 2022 से परचेज़ की थी और तकरीबन इसको 50,000 के आसपास चला लिया, और अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस है। तो इसका ओनरशिप रिव्यू भी हमने पूरा मतलब अपने चैनल पर डाल रखा है, तो वो भी आप जाकर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसके बारे में हमने ओनर से पूरी बात करी इस गाड़ी के बारे में, किस तरह का एक्सपीरियंस है, कैसा सस्पेंशन वगैरह, और 50,000 चलाने में कोई दिक्कत वगैरह पैसी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने बात की है, तो वो चीज़ आप जाकर के देख लेना। फिलहाल अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट देख लो, नो डाउट अगर हम बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल आपको गाड़ी का देखने में बहुत अच्छा लगता है। आई नो इसमें काफ़ी सारे आपके कॉम्पैक्ट SUV की बात करें तो और भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, बट यहाँ पे अगर हम महिंद्रा की बात करें इस प्रोडक्ट की, तो अलग ही होता है, बिकॉज आपको काफ़ी वाइड आपको गाड़ी मिलती है। और आप फ्रंट प्रोफाइल देख लो, वैसे भी आपका जो ब्लैक कलर में है, थोड़ा सा टिंटेड शीशे वगैरह हो रखे, तो काफ़ी सही लग रही है। सो अगर यहाँ पे ग्रिल की बात करें तो ये देख लो, आपका सिग्नेचर आपको ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे आपको महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है, ये आपका ओल्ड वाला जो लोगो है महिंद्रा का वो है। और इसलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी ग्रिल वगैरह देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे हम इसके अप्रोच एंगल की बात करें तो अप्रोच एंगल आप देख सकते हो, गाड़ी का अप्रोच एंगल काफ़ी सही है। तकरीबन इसमें अगर हम यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको 180 Nm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जाते हैं इसके हेडलैम्प यूनिट की बात कर लेते हैं, तो हेडलैम्प यूनिट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, आपको जो है हेडलैम्प यूनिट देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपके जो है साइड इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आपके जो है फॉग लैंप हो जाता है, और यहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी सही जो है एलिमेंट्स वगैरह देखने मिल जाते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्रंट प्रोफाइल देखने में गाड़ी का काफ़ी सही लगता है। ओके, तो अभी हम साइड में जाते हैं। साइड में अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के जो ORM देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बॉडी कलर ORM देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपको यहाँ पे इंडिकेटर जो है ना साइड फेंडर में दे रखे, वो चीज़ जो थोड़ी सी अगर यहाँ पे मिल जाती तो काफ़ी सही होती है, यानी कि ORM पे इंडिकेटर मिल जाते तो सही हो जाती। अभी यहाँ पे अगर देखो टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो टायर सेक्शन देखने को मिलता है 205/65 R16 जो आपको यहाँ पे टायर सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ओवरऑल हम वैसे गाड़ी में अगर व्हील बेस वगैरह की बात करें तो 26 mm का आपको यहाँ पे व्हील बेस देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि हम व्हील बेस की बात करें तो 26 mm का जो आपको यहाँ पे व्हील बेस मिलता है, तो उससे जो है रियर पैसेंजर मतलब जो रियर सीटें बैठते हैं उनको जो है लेग रूम वगैरह काफ़ी सही मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फर्दर अगर हम गाड़ी के डायमेंशन वगैरह की बात करें तो आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं, आपको मैं ग्राउंड क्लियरेंस बता ही चुका, तकरीबन 180 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये जैसे कि आपका डीजल है तो आपका मतलब एवरेज की बात करें तो इसमें ARI जो माइलेज है तकरीबन 20 का मिल जाता है, बट अगर थोड़ा सा आप इसको लाइट फुट वगैरह चलाते हो तो ओनर ने इसे 22 का भी एवरेज निकाला, 22.5 का भी, तो काफ़ी सही है। और सिटी में तकरीबन जो आपको 17-18 जो है देखने को मिल जाता है, 16-17 का एवरेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ साइड प्रोफाइल हो जाता है। रूफ रेल्स वगैरह मिल जाते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा जो आपको मतलब कि स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका साइड प्रोफाइल हो जाता है। फर्दर जो इसकी डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन में आ रही है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो हाइट है कंप्लीट 6 फीट है, तो काफ़ी सही मैं मतलब रिक्लाइन होकर के बैठा हूँ। अभी मैं ना रियर सीट में जाके देख लेता हूँ कि हमें जो है किस तरह का जो है स्पेस वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ठीक मुझे नी रूम मिला है, काफ़ी मतलब पूरी तरह से रिक्लाइन हो रखे सीट, और मतलब कि रिक्लाइन वगैरह तो काफ़ी सही है, तो नी रूम सही है, लेग रूम भी सही सही मिल रहा है, ठीक है। तो रियर में पैसेंजर को ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, यानी कि 2 6 फुट वाले बंदे ही बैठे हैं, तो कोई दिक्कत वाली पेशी आने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो एक बार मैं डोर भी दिखा देता हूँ। अगर वैसे डोर वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हो, तो ब्लैक और बेस का आपको कॉम्बिनेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये आपके जो है प्लास्टिक में दे रखा है, बट प्लास्टिक की जो क्वालिटी जो है प्लास्टिक की वो ठीक ठाक है। और ये आपको चारों से पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे 1 लीटर बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट टच की बात करें तो SH यहाँ पे कोई आपको सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं रियर की, तो यहाँ पे आपको देखो माइक्रो एंटीना देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड आपको स्पॉयलर देखने को मिल जाता है, हाई माउंटेड जो है स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे मैं रियर सील की बात करें तो यहाँ पे SH आपको वाइपर वॉशर वगैरह नहीं मिलेगा, बट आप देख सकते हो
तो कुछ इस तरह से आपको रियर शील्ड देखने को मिल जाती है और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। टेल लैम्प यूनिट की बात करें तो कुछ इस डिज़ाइन में आपको जो है टेल लैम्प आपको यूनिट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे XUV 300 का जो लोगो देखने को मिल जाता है। अभी हम आ जाते हैं इस पर बूट वगैरह पे, तो बूट वगैरह देख लो कुछ इस तरह से आपको बूट वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कुछ खाली सा दे रखा है, कंप्लीट आपको जो है पूरा कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी सही है, ठीक है। ये रेयर कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अभी इसमें अगर हम कैबिन वगैरह की बात करें तो उसमें स्क्रीन वगैरह आपको नहीं मिलती, थोड़ा सा वो अगर हम बोले तो माइनस पॉइंट हो जाता। अगर यहाँ पे स्क्रीन वगैरह मिल जाती इस बजट में तो काफ़ी सही हो जाता, बिकॉज इसका हम प्राइस वगैरह की बात करें तो अभी अगर आप इसको लेने जाते हैं तकरीबन 10,38,000 के आसपास जो इसका एक्स शोरूम आपको देखने को मिल जाएगा। और अपना ऑन रोड आप देख सकते हैं 11.5 के आसपास आपको जो है गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर हम डिपार्चर एंगल की बात करें तो डिपार्चर एंगल आप देख सकते हो कुछ इस तरह से डिपार्चर एंगल, और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की जो है स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी और एज स्टैंडर्ड जो है रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। रियर से देखने में गाड़ी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है आपकी वाइड लगती है और अच्छा मतलब मस्कुलर लुक आपको देखने को मिल जाता है। 5-स्टार की आपको बैजिंग मिल जाती है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपको 5-स्टार में जो है एडल्ट में और 4-स्टार जो है चाइल्ड सेफ्टी के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। अब यहाँ पे कैबिन की बात करें तो कैबिन से पहले यहाँ पे अगर वैसे हमको टायर का सेक्शन वगैरह बता दें 16 इंचज़ के आपको टायर मिलते हैं। अब यहाँ पे अलॉय वगैरह तो नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे एक तरह से जो है स्टाइल रिम आपको देखने मिल जाते हैं, और ये मतलब स्टाइल रिम भी नहीं मिलते अगर हम बात करें तो, ये आपको जो है व्हील कवर ही मिल रहे हैं। बट एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि यहाँ पे आपको ना दोनों ही जो डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, फ्रंट और रियर में दोनों में जो डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इसके मतलब कि फ्रंट की बात भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे डोर ट्रिम की बात करें फ्रंट में तो आप देख सकते हैं तो ब्लैक और बीच का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे और आपको ओवरम की कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, बट अगर जो प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह की बात करें तो प्लास्टिक की क्वालिटी सही आपको देखने को मिल जाएगी। 4 स्पीकर और आई गेस यहाँ पे 2 ट्विटर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हो गई आपके डोर की। अभी यहाँ पे इंटीरियर वगैरह की बात ना चलते चलते बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको कैबिन का भी दिखा देंगे, ठीक है। ओके सो अभी हम आ गए हैं कैबिन में। ये जो आपका XUV 300 है आपका W6 वेरिएंट है, यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट आपका आ जाता है। अगर यहाँ पे कैबिन वगैरह की बात करें तो कैबिन देख लो कुछ इस तरह से एक लुक में आपको कैबिन मिल जाता है। सबसे पहले अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी कीज़ की, तो कीज़ आपको देख लो आपको कुछ इस तरह से आपको की मिल जाती है, इसमें लॉक अनलॉक मिल जाता है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस के साथ बूट की ओपनिंग मिल जाती है, और ये आपको जो है फ्लिप की मिलती है, दोनों ही आपको सेम इस तरह की कीज़ मिलती है, तो की ठीक ठाक मिल जाती है आपको। और यहाँ पे कुछ आपको पोस्ट मतलब कि पोस्ट स्टार्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो आप इसको अगर हम बात करें तो चाबी से ये जो है इग्निशन को ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको मिलता है पूरा एनालॉग मिलेगा, बट एक चीज़ हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है काफ़ी वाइड मिलता है, तो देखने में जो आपका मतलब कि काफ़ी सही लगता है। और MID की स्क्रीन मिल जाती है, और ये आप गाड़ी देख लो तकरीबन आपको 49,424 किलोमीटर तक चल चुकी है, तो काफ़ी अच्छा जो है 8-9 महीने में चलाया है ओनर ने, और काफ़ी सही जो है इसका मतलब कि रिव्यू भी है, मतलब कि ऐसी कोई दिक्कत पेशी कुछ भी नहीं है ये गाड़ी में, चलाने में काफ़ी गाड़ी सही है, ठीक है। तो अभी देखो यार मैं फर्स्ट गियर में उठाता हूँ इस गाड़ी को, तो काफ़ी ईजिली उठ जाती है। और देखो यार अभी मैं थोड़ा सा तेज़ी छोड़ा है। एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे आपको जो मिलता है तकरीबन आपको जो है 4 सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और एक डीजल इंजन मिलता है, तो पावर काफ़ी अच्छी है। 300 Nm का आपको जो है टॉर्क आपको देखने मिल जाता है, काफ़ी सही आपको विजिबिलिटी आपको देखने मिलेगी। देखो जैसे कॉम्पैक्ट SUV में आ जाती है, तो जैसे कि आपका ये कॉम्पैक्ट SUV में आ जाती है तो आप देख लो यार SUV का पूरा लुक आपको देखने मिलता है। फ्रंट आपका जो बोनेट वगैरह की बात करें तो बोनेट वगैरह की विजिबिलिटी काफ़ी सही होती है। और अभी हमने इस गाड़ी को काफ़ी चलाया है, तो उसमें एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसके सस्पेंशन वगैरह काफ़ी सही है, मतलब सस्पेंशन वगैरह को लेके कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे कि यार अभी आपने देखा पीछे एक ब्रेकर है, तो ब्रेकर वगैरह में कुछ भी पता नहीं, तो ब्रेकर वगैरह में ये जो गाड़ी है मतलब काफ़ी सही निकलती है, मतलब सस्पेंशन वगैरह काफ़ी सही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम इसके आईवीएम वगैरह की बात करें तो आपको यहाँ पे डे नाइट आईवीएम देखने को मिल जाता है। अभी जैसे कि आपको बताया था यहाँ पे आपको ना कोई स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है, बट ये आपको 2D की स्क्रीन मिल जाती है, बट इसका जो स्पीकर का आउटपुट है ठीक ठाक आपको डिसेंट सा जो आउटपुट जो देखने को मिल जाता है। फ्रंट कंसोल आप देख लो कुछ इस तरह से मिलता है, प्लास्टिक ही मिलता है, अगर थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिशिंग वगैरह मिल जाती जैसे कि नेक्सॉन वगैरह मिलती है तो काफ़ी सही हो जाता, बट ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको थोड़ा इस तरह का मिल जाता है। थोड़ा सा अगर महिंद्रा इस चीज़ में थोड़ा सा काम कर ले, मतलब कि अगर बोनेट मतलब कि इसका डैशबोर्ड पे थोड़ा सा काम कर ले तो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, ठीक है। बिकॉज कि आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको स्क्रीन वगैरह देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसमें आपको जो है 2D नहीं मिलती है, ठीक है। 2 एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाती है, बाकी जो अगर हम फर्दर इसमें कुछ आपके सेफ्टी फीचर्स वगैरह की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या आपको जो है और सेफ्टी फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रैश पैड में भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है
एक डिसेंट साइज में अगर हम बात करें तो वो आपको। ओके सो यार अभी अगर यहाँ पे हम कपबोर्ड वगैरह की बात करें, कपबोर्ड का साइज ना एकदम डिसेंट है, मतलब काफी मस्त आपको साइज मिल जाता है, मतलब काफी डीप आपको जो कपबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। अगर हमें स्क्रीन देख लो, स्क्रीन वगैरह तो आपको टूटिंग की मिलती है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पूरा कंसोल वगैरह देखने को मिल जाता है। सिटिंग वगैरह काफी सही मिल जाती है, तो सिटिंग वगैरह पोस्चर भी सही है, ठीक है। और अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी तो गाड़ी में काफी सही मिलती है, तो अगर आप एक डीजल गाड़ी देख रहे हो तो ये आपके लिए काफी सही हो जाता है। यानी कि अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी एक सर्च कर रहे हो तो एक बार आई बिलीव आपको ना इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, बिकॉज गाड़ी चलाने में ना बहुत जबरदस्त है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार कि हम यहाँ पे एसयूवी 300 में जाए या अगर हम बात करें कि नेक्सॉन में जाए, बिकॉज नेक्सॉन भी काफ़ी सही प्रोडक्ट है। तो उसके लिए ना कंपैरिजन एक वीडियो हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप पूरा कंपैरिजन और बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो यार ये था एक हमारा छोटा सा डिटेल स्पेसिफिकेशन रिव्यू वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसी लगी। काफ़ी शॉर्ट में मतलब ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है जल्द से जल्द में, ठीक है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है, अंधेरा भी, और एक चीज़ है कि हमारे बैटरी कार्ड वगैरह फुल हो गए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे भी है वीडियो बना लिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके कोई भी कमेंट है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप हमारे को पूछना। और इसका जो कंपैरिजन वीडियो ना एक तरह से नेक्सॉन या फिर एसयूवी 300 का, तो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल में दोनों का कंपैरिजन और दोनों के ओनर से ही बात करेंगे कि किस तरह का है उनका एक्सपीरियंस गाड़ी को लेकर के, ठीक है। तो वो उसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी सेफ।